अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं शाक्शुका। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसको ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो शाक्शुका बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और ये एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे, सॉफ्ट भी हो जाए और हल्का सा इसमें गोल्डन कलर भी आ जाए। तो ये देखिए प्याज हमारी भुन चुकी है। अब इसमें चॉप किए हुए गार्लिक ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा सॉटे कर लेना है। रेड वाली बेल पेपर ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, हाफ कप इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी सॉटे कर लेना है। बेल पेपर को सॉटे करने के बाद ये 3 टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली है। टमाटर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रहेगी। टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक तेल ऊपर नहीं आता तब तक हम टमाटरों को पकाएंगे। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी, वो भी फ्री में। तो ये देखिए टमाटर की प्यूरी हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून शुगर लिया है। आप पहले टेस्ट कर ले, अगर आपके टमाटर ज़्यादा खट्टे हैं तो आप इसमें 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और हरी मिर्चों को कट करके मैंने ऐड कर दिया है, 2 हरी मिर्चें कट की है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके टमाटर खट्टे नहीं हैं तो आप इसमें शुगर ऐड मत कीजिएगा, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें शुगर ऐड किया है। तो इस मसाले को भून लिया है मैंने। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से बन चुका है। ये देखिए इस तरीके का मसाला होना चाहिए इसका। अब इसमें चॉप किए हुए हरे धनिया ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पार्सली ऐड की जाती है। अगर आपके पास पार्सली है तो आप डाल दें और नहीं है तो आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब सेंटर में या आजू बाजू थोड़ी थोड़ी जगह बना लेंगे क्योंकि हम इसमें एग डालने वाले हैं। मैं 4 अंडों का बना रही हूँ इसलिए मैंने 4 स्पेस बनाई है। अगर आप ज़्यादा अंडों का बना रहे हैं तो ज़्यादा स्पेस बना लें। अब एक एक करके 1 बाय 1 सारे अंडे हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम लीड से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। आपको अगर थोड़े सॉफ्ट एग पसंद है तो आप थोड़े सॉफ्ट रख सकते हैं जैसे कि मैंने रखा है, और अगर आपको ज़्यादा कुक हुए पसंद है तो आप और ज़्यादा भी इसको कुक कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्चें यानी चिली फ्लेक्स डालेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे इस पर। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास पार्सली है तो आप वो इस पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हरा धनिया ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। एग शाक्शुका बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है व्यूवर्स, तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत ही मज़े की और टेस्टी है ये रेसिपी। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। आपको जब इसे खाना हो तो आप इस तरीके से इसको कट कर ले। कट करके आप इसको सर्व कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए।